पाखापाखि 8 अधिक समय है 8 समय रु जो पद्मपुर उपनिर्वाचन फलाफल प्रथम कर गणति आरंभ हो जो जो पोस्टल बैलेट अच्छी 296 या प्रथम प्रथम या गणाई सीधा सल आप चित्र देखिए कौन हिसाब से भितर स्ट्रंग रूम रही ये हूँ पद्मपुर गौरव स्थित आरएमसी जो रही स्ट्रंग रूम यार चित्र आप देखुवे जो कड़ा सुरक्षा बल भितर सब ईवीएम मेसीन गुड़ाक रखा जाइला आप देखुवे आज जहाँ फलाफल प्रकाश पायापी जहाँ रही समाज आज बर्तमान समय गणा चली रही प्रथम जो 8:30 सुधा यार रिजल्ट आसो जो 296 जो रही पोस्टल बैलेट या प्रथम प्रकाश प्रकाश पाइब आ सब बड़ कथा है जिते बिल जो जहाँ आम देखु जे जो 319 भोट र 19 बूथ रो रही पाखापाखि 14 टेबुल गणति कराकि 23 राउंड रही तो सब बड़ कथ आप देखुवे निजे प्रार्थी प्रदीप पुरोहित आसिक बर्तमान समय भितर को जाते आज आसिक जहाँ स्थित परखुले तो निश्चित भाग आम देखुचे सीधा सल आम प्रतिक्रिया रखा कौन कह सल्व है कौन समाधान है देखो कल तो जिलापाल कहले जो मैंने डकैबे डकई थे आम एजेंट को भी डाकि किटा तीन टा बूथ तथा मेच कला ना बाकी किसी बूथ मेच कला तीन टा बूथ रि अमीमांसित अच्छी पाखे अभियोग अच्छी इलेक्शन कमिशन जहाँ डायरेक्शन देवे से हिसाब से भोट गणतिर प्रक्रिया तो चली किंतु बाकी जो जगार डिस्प्यूटेड अच्छी जोटा ईवीएम मेसीन रेच खाऊ ना नंबरटा ताको कौन करेंगे इलेक्शन कमिशन निष्पत्ति ने परीक्षा देने आज रिजल्ट बाहर के आशावादी अच्छा देखो मुँह तो आशावादी अच्छी मो लोकंकर आशीर्वाद मिली मत लोकंकर आशीर्वाद पाई कारण मुझे आशावादी अच्छी लोके मत विजयी कै मु जितबि ना जदि मुझ जितबि लोके मत विजयी कर ना मत लोके विजयी कराइबे देखो तो यार भितर किसी बुझीहला ना कहीं जदि किसी तथ्य था कलेक्टर तुरंत कि रिटर्निंग अफिसर जाइए से तो कही था जे ना एमती मेसीन जो जोड़ी से कही पारे ना पाखे तथ्य थी कथा आम सन्देह घनीभूत हो जो इलेक्शन कमिशन को पाखे आम द्वारा देखो तो मैन्युफैक्चरिंग नंबर बोली कहते मैन्युफैक्चरिंग नंबर तो सत्वे भी से इलेक्शन कमिशन भी ताऊपर हस्तक्षेप ऑब्जर्वर भी हस्तक्षेप कर देखा जो से 11 बूथ कौन तार हाँ निश्चित रूप से तीनो कथा बूथ रोटा एवं भी मेच खाइला ना से इलेक्शन कमिशन जहाँ निष्पत्ति ने ऑब्जर्वर को देखो तो 11 जो जो जगह आम अभियोग कर 11 बूथ में आप सती भट्टा ठू नहीं कर जो 11 बूथ अच्छी शक्ति ठू नहीं से भारतीय जनता पार्टी बेस्ट बूथ था एवं सेठी अधिक फुट गला थर भी पाइलु एथर भी लोके उत्साहित थे से 11 बूथ रे एभली होइतिला देखो एटा तो आमको लगुच या पछरे कौन अच्छी तार से इनक्वारी कलेक्टर कहले इनक्वारी करा होची बोलिक इलेक्शन कमिशन को दिया तार से परीक्षे आम आम अभियोग कर देछु देखो त्रुटि तो जिलापाल भी धरी पारे ना रिटर्निंग अफिसर भी प्रेजेंट थे से जदि किसी ठीक ठाक था आमको सागे सांगे कन्फ्यूज कर छाड़ी था तो इलेक्शन कमिशन जहाँ निष्पत्ति करेंगे देखो मुझे आशावादी अच्छी लोके आशीर्वाद देवे मत विजयी कराइबे मुझे आशावादी अच्छी भोटर व्यवधान 5000 अति कम 5000 व्यवधान हे जहाँ लोक आकलन अच्छी एवं 5000 अधिक भोटे मुझे विजयी होगी निश्चित रूपे जनता जनार्दन राय रे पद्मपुर पद्मफुल फुटिया को जाऊँगी निश्चित रूप से शुणुले सीधासल रही थे प्रदीप पुरोहित प्रार्थी आलोचना करता आउ किसी सहित मत आलोचना करने आप देखुवे भितर को जहाँ कहुला जिते बिल जो गत काली जो ईवीएम मेसीन अदल बदल कहला पाखापाखि 11 या भितर जहाँ 8 जो थी तार कौटना कौट गोटे पट समाधान अच्छी और तीनो जो ईवीएम मेसीन रही तार ष्ठ बर्तमान समय जना पड़े तो सब बड़ अभोग आजे प्रार्थी प्रदीप पुरोहित जी जिते बेले कहुला जे कौटि ना कौटि या जाशु ना कौन से त्रुटि रही ये भी सब बड़ कथा आउ किसी रिएक्शन ने बाद अच्छा प्रदीप पुरोहित निजे प्रति बुझे पचार कौन रोचे कहीं आप देखुवे जो हिसाब से देखुवे जो ईवीएम मेसीन रंबर मेज खाइला ना
ଯେଉଁଟା ଆଲର୍ଟ କରାହେଇଥିଲା କିମ୍ବା ଯେଉଁଟା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ ରେ ୟୁଜ୍ ହେବା କଥା ଆମକୁ ଯାହା ତଥ୍ୟ ଦିଆହେଇଥିଲା ସେଇଟା ମେସ୍ ଖାଇଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଯେହେତୁ ମେସ୍ ଖାଇଲା ନାହିଁ ଆମେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅବଜର୍ଭରଙ୍କୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲୁ ତାପରେ ସେମାନେ ପୁଲିଂ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଡକେଇଥିଲେ ପୁଲିଂ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଡକେଇକି ତା ଉପରେ ସେମାନେ ଆଲୋଚନା କଲେ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ତିନୋଟି ମେଚ୍ ଖାଇଲା ନାହିଁ ତ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ତା ଉପରେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଭାବୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି ତ୍ରୁଟି ରହିଲା କାହିଁକି ଏମିତି ତ୍ରୁଟି ତ ଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତ୍ରୁଟି ଅଛି ନହେଲେ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ଏଭଳି ମେସ୍ ଖାଇବନି ମେସିନ୍ ଏଇଟା ତ ମୁସ୍କିଲ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତ୍ରୁଟି ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି 11ଟିରୁ କେତୋଟି ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଉ କେତେଟା ଦେଖନ୍ତୁ 3ଟି ତଥାପି ମେଚ୍ କଲା ନାହିଁ ବାକିଟା ସେମାନେ ଦେଖେଇଲେ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ନମ୍ବର ବିଭିନ୍ନ ନମ୍ବର ବାକି 3ଟି ମେଚ୍ ଖାଇଲା ନାହିଁ ସେ 3ଟି ବୁଥରେ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅବଜର୍ଭର ଇଲେକ୍ସନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଫିସର ଏମାନେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ପଦ୍ମପୁରର ଆଜି ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ପଦ୍ମପୁର ବାସୀ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ ରହିଛୁ ଏସ୍ପି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବରଗଡ଼ ଏସ୍ପି ପହଞ୍ଚିଲେଣି ତାଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ୍ ହେବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏସ୍ପି ମଧ୍ୟ ନିଜେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି ଯେ ପୁରାପୁରି ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି କାହିଁକିନା ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଗଣତି ଚାଲିଛି ଏସ୍ପିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ରିଆକ୍ସନ୍ ହେବା କ'ଣ କେମିତି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ଯେଉଁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଭୋଟ୍ ଗଣତି ଚାଲିଛି ପାଖାପାଖି ସମୟ 8:30 ହେବା ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଏହା ଭିତରେ ଯାହା ଖବର ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ 296ଟି ଯେଉଁ ରହିଛି ପୋଷ୍ଟାଲ ବେଲାତ୍ ଇଏ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପ୍ରଥମ କରି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଆଉ